नमस्कार, वेलकम टू संगीताज फूड कॉरिडोर। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल के, वो भी बिना ओवन और एग के। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक बाउल में एक कप तेल और इसमें एक कप चीनी को डालकर मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर मिला लेंगे। अब एक स्ट्रेनर में 1.5 कप मैदा लेंगे। और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डालकर अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन हो जाने पर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यदि बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आखिर में 1 टीस्पून विनेगर या लेमन जूस डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दूसरे बॉल में 1.5 चम्मच कोको पाउडर लेंगे। और उसमें 1/2 बैटर को डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर का फ्लो ऐसा ही होना चाहिए, तभी मार्बल डिजाइन बनेगा। अब एक केक टिन में बटर पेपर डालकर ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो प्लेन वाइट पेपर को भी यूज कर सकते हैं। अब हम केक टिन में दोनों बैटर को बारी बारी से डालते जाएंगे ताकि दोनों का लेयर अच्छे से दिखे। देखिए लेयर दिख रहा है। अब टूथपिक की मदद से उस पर फ्लावर डिजाइन बना लेंगे। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ये बेक होने के लिए तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया गया है। अब केक टिन को बेक होने डाल देंगे। हमें इसे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। इसे 25 मिनट बाद टूथपिक से चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक पर बैटर लगा हो तो 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। अब 5 मिनट हो गया है, एक बार और चेक कर लेंगे। देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है। अब केक टिन को नीचे उतार लेंगे और 10 मिनट ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसे चाकू की मदद से चारों तरफ का किनारा को टिन से अलग कर टी मोल्ड कर लेंगे और बटर पेपर निकाल लेंगे।
एक तैयार है और देखिए ये कितना स्पॉन्जी बना है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।